नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जो आज का व्लॉग है वो है मेरा कुकिंग व्लॉग, जो कि आप देख ही रहे हैं सामने वीडियो में। तो आज मैं बहुत ही सिंपल सब्जी बनाने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने ले लिया है 1/2 kg भिंडी, कुछ करी पत्ता है, एंड ये मेरे पास मसाले हैं, कुछ नमक, हल्दी, कुछ लहसुन की कलियाँ, जीरा, कस्तूरी मेथी एंड थोड़ी सी मिर्ची। तो गाइस देखिए, इतने कम मसाले में मैं अभी सब्ज़ी बनाऊंगा भिंडी की, जो कि बहुत ही कुरकुरी बनेगी, जिसको हम भिंडी फ्राई बोलते हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले हमें गर्म कर लेनी है अपनी कढ़ाई, जो कि मैंने ऑलरेडी रख दी है। सो दोस्तों देखिए, अभी मैं कर दिया हूँ इसका स्विच ऑन, और इसको मैं अभी अच्छी तरह से पहले कढ़ाई गर्म कर लीजिए। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे ऑन किया है, कम टेम्परेचर पे, ताकि कढ़ाई गर्म हो जाए। जैसे ही कढ़ाई गर्म होगी तो फिर मैं इसमें तेल डालूंगा। सो दोस्तों, कढ़ाई अब कम्प्लीटली गर्म हो गई है। तो अब इसमें मैं डाल रहा हूँ अप्रोक्स 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। अभी दोस्तों इसको कम्प्लीटली गर्म होने देना, जब तक कि इसमें से भाप आना स्टार्ट ना हो जाए। सो थोड़ी देर वेट करते हैं, जब तक इसमें से भाप नहीं आती, कम्प्लीटली गर्म नहीं हो जाता ये, इसके लिए हम फ्लेम थोड़ा हाई कर देते हैं। सो दोस्तों, अभी चेक करने के लिए कि ऑयल गर्म हो गया, कि इसमें कुछ जीरा डाल के देखते हैं। गैस ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए इसके लिए। और दोस्तों एक बात, जब भी आप भिंडी फ्राई बना रहे हो तो हमेशा भिंडी को पानी न लगने दें। जैसे मैंने भिंडी को सबसे पहले धोया है, फिर उसको अच्छी तरह से सुखाया है, उसके बाद काटा है, तो कभी भी उसमें थोड़ा सा पानी नहीं होना चाहिए, इससे भिंडी में थोड़ी चिपचिपाट रह जाती है। तो उसको अच्छे से साफ़ करना है धोने के बाद। सो दोस्तों, अभी तेल हो गया है, अभी मैं इसमें डालने जा रहा हूँ जीरा और मिर्ची। दोस्तों इसमें जीरा हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, भिंडी फ्राई के लिए जीरा थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। और दोस्तों इसके साथ डाल देते हैं मिर्ची। और कस्तूरी मेथी। इसको दोस्तों थोड़ा पका लेंगे अभी हम। डालेंगे करी पत्ता,
गाइस थोड़ी देर हम रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरह से इसको मसाले के साथ मिला लेंगे। और भिंडी को कम से कम 5 मिनट तक पकाना है। अभी देखिए दोस्तों, अभी ये थोड़ी स्टिकी है भिंडी, धीरे धीरे ये भिंडी कुरकुरी और अलग अलग हो जाएगी। दोस्तों अभी अप्रोक्स हो गए हैं 5 मिनट, तो अभी गाइस हम इसमें डालेंगे हल्दी और नमक। नमक आप स्वादानुसार डाल सकते हैं अपने। इसको मिला देंगे अच्छे से, थोड़ा आराम से स्टीर करेंगे गाइस, ताकि ये जो पीसीज हैं इसके टूटे नहीं। तो दोस्तों देखिए, अभी भिंडी के पीस में बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है, बिल्कुल अलग पीस हैं। अभी आप और फ्राई करना चाहते हैं तो और फ्राई कर सकते हैं, इसको और कुरकुरा बना सकते हैं। देखिए गाइस कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल कुरकुरी बनी हुई है। वैसे देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है इसमें।